आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा हुंकार रैली का आयोजन किया गया। इस हुंकार रैली में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बिलासपुर पहुंचेंगे और प्रदेश सरकार की जनविरोधी कार्यों के विरोध में हल्ला बोलेंगे। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते अपराध सहित महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा लामबंद होने की तैयारी में है। इस हुंकार रैली में प्रदेश सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में हुंकार भरी जाएगी, लिहाजा इस रैली के संबंध में तैयारियों को पुख्ता करने के दृष्टिकोण से मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय करबला रोड पर जिला भाजपा महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत सहित जिला भाजपा महिला मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुई। इस दौरान सभी महिला भाजपा कार्यकर्ताओं को इस रैली के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें किस तरह से इस रैली को सफल बनाना है। इस मौके पर बेलहा विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी उपस्थित भाजपा महिला को मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह रैली प्रदेश में बढ़ते अपराध और प्रदेश सरकार के जन विरोधी निर्णय के विरोध में है, जिसे सभी को मिलकर सफल बनाना होगा। दूसरा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने तय किया है 11 नवंबर को बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय महिला हुंकार रैली का आयोजन किया गया। जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही, आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहे, नशे का अवैध कारोबार, सुसाइड और इसके साथ में हत्या, इन सारी बातों को लेकर के महिलाओं के द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया है। स्थान बहुत जल्दी तय करेंगे और पूरे प्रदेश भर की महिलाएं विशाल संख्या में यहाँ पर आएंगे और आकर के यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को चेतावनी देने के लिए। आप कहीं का भी घटना निकाल लें, मैं उस दिन बिलासपुर का देख रहा था, 90 दिन में 89 चाकू की घटना। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।